बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं जी गोला कबाब की रेसिपी। गोला कबाब जो है वो मैंने रेडीमेड लिए हैं। सबसे पहले प्याज को ग्राइंड कर लिया मैंने और हसबे ज़रूरत आप इसमें ऑयल डालकर प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। साथ ही दालचीनी के दो टुकड़े, तेज पत्ता, डालकर हल्का सा भून लें और अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मज़ीद भून लें। और ढककर रख दें 5 मिनट के लिए। टमाटरों की प्यूरी डालें। मैंने 3 अदर टमाटर लेकर उनको ग्राइंड कर लिया। और फिर नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च, साबुत धनिया पिसा हुआ, जीरा और हल्दी डालकर अच्छी तरह मसाले को भून लें। गोला कबाब को फ्राई कर लें 2 चम्मच ऑयल डालकर। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो उसमें आप 3 टीस्पून जो है वो दही के डाल लें और फिर इसको थोड़ी देर के लिए और भून लें। और फिर आप इसमें गोला कबाब शामिल करके मज़ीद 10 मिनट के लिए भून लें। भूनने के बाद अच्छी तरह फिर डाम कर रख दे 2-3 मिनट के लिए, फिर दोबारा भूने। गोला कबाब को अच्छी तरह भून लें और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। दस मिनट के बाद आप इसमें हरा धनिया और सब्ज मिर्च डाल दें। मज़ेदार से गोला कबाब तैयार है। मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी तैयार है। एंड पे कुकिंग इन बिला के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।